किया कैरेंस, किया कैरेंस, किया कैरेंस, अगर सोनेट है, सेल्टोस है, सारी किया की गाड़ी आपको मिल जाएगी भाई। एक जीप कंपास, दो जीप कंपास और तीसरी यहाँ पे खड़ी है सामने, तीनों के तीनों रेड कलर में अवेलेबल है। एक सेल्टोस, दो सेल्टोस, तीन, चार, पांच, छह, मतलब ज्यादा नजर आ जाती है आपको सेल्टोस नजर आने वाली है। ओल्ड शिप वैगन आर, न्यू शिप वैगन आर, आपको सारे कलर, सारे वेराइटी वैगन आर की यहाँ पे मिलने वाली है। 140 प्लस चेक पॉइंट पे कार को चेक करने के बाद ही इस बेसमेंट में, इस पार्किंग में गाड़ी आती है आपके लिए। फाइनेंस हमारे पास कार 24 से भी है, बजाज से भी है। अच्छा, और हमारे कुछ पार्टनर्स भी हैं, ठीक है, जो फाइनेंस कराते हैं। कार 24 से कार लेने का फायदा आपको ये मिल जाता है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। और चली 26,000 है, चली 26,000 है। तो 9,053 किलोमीटर, 9,053 किलोमीटर, 53 किलोमीटर बस, बस सर। और एक साल पुरानी गाड़ी है, चली भी ये सिर्फ 34,000 किलोमीटर ही है, तो 16,000 चली हुई है बस। बस 500 किलोमीटर के अंदर अंदर चली होगी, 7 दिनों के अंदर आप गाड़ी को वापस कर सकते हो। कुछ भी रीजन होगा पूछेंगे नहीं आपसे। यस सर, आप भी इस तरीके से यहाँ पे आके स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली। ये स्कैन किया मैंने और ये देखो जो भी प्राइस चल रहा है ऐप पे, वो आपके सारा कुछ आ गया, आ जाएगा। टाटा की सर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी, टियागो है, टिगोर है, एल्ट्रोज, एच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। दोस्तों यूज्ड कार लेते वक्त मन में बहुत सारे डर होते हैं कि यार ये गाड़ी लेने के बाद कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। सेकंड हैंड कार जब लेने जाते हैं मार्केट में तो यार फैमिली वालों से क्या, दोस्तों से क्या, सबसे पूछते हैं कि तूने गाड़ी कहाँ से ली थी, गाड़ी कैसी चल रही है। तो ये जो डर होता है ना दिमाग में, ये सब आज हटाने वाले हैं दोस्तों। आज मैं आपको गाड़ियों का बहुत ही प्यारा सा स्टॉक दिखाने वाला हूँ कि वैरायटी इतनी बड़ी है कि आपको आज देखने में ना वीडियो को मजा आने वाला है। यहाँ पे वैगनआर भी है, ऑल्टो भी है, यहाँ पे किया, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, सारे के सारे ब्रांड्स आज आपको दिखाने वाला हूँ। छोटी छोटी गाड़ी और बड़ी से बड़ी कार आपको दिखाने वाला हूँ। यूएसपीज बहुत सारी है क्योंकि सारी गाड़ी सर्टिफाइड है। मैं आज आया हूँ कार 24 के गुड़गांव वाले यार्ड में, मिलते हैं दिवांग भाई से जो आपको दिखाएंगे मेरे साथ गाड़ियाँ। दिवांग भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर। आपकी गाड़ियाँ बहुत सारी है, इतनी सारी गाड़ी पता नहीं कवर हो पाएगी नहीं पाएगी, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और हम लोग हर एक डिटेल आपको बताएंगे जो भी गाड़ी आपको दिखाने वाला हूं। तो दिवांग भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आज हम लोग कौन से यार्ड में है गुड़गांव में? हम लोग सर M3M अरबाना के यार्ड में है, ये सिचुएटेड है सेक्टर 67 में। ठीक है, अच्छा देखो मॉल बहुत प्यारा है ये, जिसमें M3M अरबाना, अगर आप मॉल में शॉपिंग करने भी आते हो तो भी आप नीचे बेसमेंट में आ जाना सर के साथ या इनकी किसी भी टीम मेंबर के साथ, आपको ना वैरायटी बहुत सारी मिलने वाली है। आपका मन ना भी होना तब भी कर जाएगा। हालांकि आप वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड करके ना चेकआउट कर सकते हो पूरा स्टॉक की कौन से यार्ड में कौन सी गाड़ी खड़ी है, क्या प्राइस है, क्या डिटेल है, पर आज आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वीडियो में एक अलग ही फील आता है। तो पहली गाड़ी दिखाएंगे आपको हमारे पास खड़ी है XUV 500। गाड़ी दमदार होती है, जबरदस्त लुक होते हैं, सुंदर होती है गाड़ी, बड़ी मैचो कार लगती है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल की, कौन सा वेरिएंट है, क्या ईयर मॉडल है? W7 ऑटोमेटिक वेरिएंट सर। ओके, ये 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, ऑलराइट, HR 29 रजिस्टर्ड कार है, प्लस ये इसकी जो आस्किंग है वो है 12.56 लाख। ओके, चली भी ज्यादा नहीं है, 26 से 27,000 किलोमीटर चली गाड़ी है ये। ओके बस बस, अरे वाह नाइस यार, 21 मॉडल के हिसाब से, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो बहुत कम चली है। अच्छा ये गाड़ी डीजल होगी ना? ये डीजल है सर, ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक डीजल, बहुत बढ़िया। कार अच्छी है, अलॉयज आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री मिल जाती है, कार ओवरऑल बढ़िया है। और अगर आपको थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए, एंड यू कैन अपग्रेड टू दिस कार, दिस इज XUV 700 कार, इसके सबसे प्यारे कलर में अवेलेबल है जो कि है ब्लू कलर। यस सर, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल। फीचर तो आई थिंक सभी को पता होगा कि क्या क्या मिलता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और ये सर टॉप एंड मॉडल है, फोर व्हील ड्राइव, AX7L ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है। वाओ, ऑल व्हील ड्राइव, टॉप एंड अवेलेबल वेरिएंट है जो कि 30 लाख के आसपास आता है। यस सर। ओके, ऐसे फीचर बहुत सारे मिल जाते हैं, एडास मिल जाता है, XUV बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब आप बस नाम बोलो सब कुछ है इस कार में। ऊपर से ऑल व्हील ड्राइव है तो यार इसको पहाड़ों में क्या, नदियों में क्या, कहीं भी कुदा दो, कुदाना मत, अच्छी गाड़ी है। ओके, बात करते हैं इसकी मॉडल ईयर की, कौन सा मॉडल है? सही, 2022 का मॉडल है, ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है। चली कितनी है? चली ये थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, अराउंड 62,000 किलोमीटर चली हुई है। ये सर ज्यादा नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव कार है, आई थिंक ऑल व्हील ड्राइव वाले ने बंदे ने चलाई तो होगी, ट्राई करता हूँ कहाँ जा सकती है। ओके, एंड अगर बात करें ओनरशिप की, हम लोग आज सिंगल ओनर दिखाएंगे। इट्स अ सिंगल ओनर, सारी सिंगल, मोस्टली मोस्टली सिंगल ओनर है, कुछ सेकंड ओनर्स भी हैं हमारे पास, तो हम अलग से बताएंगे। यस सर। ऑलराइट, बात करते हैं इसके प्राइस की, हम लोग क्या डील देने वाले हैं आज। सर ये कार एक्चुअली 21.55 लाख रुपीज की अवेलेबल है हमारे पास। क्या बात है, 21,55,000 रुपए में आपको कार मिल जाएगी, अवेलेबल है। यस सर। और फैसिलिटीज इनके पास बहुत सारी है, कुछ यूएसपीज की बात करते हैं कि कार 24 के पास ही क्यों है। हमारे पास जो सेकंड डीलर के पास आप जाते हैं, ओके, वहां उनसे हम डिफरेंट कैसे
कैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी बुराई कर रहा हूं, हम उनसे डिफरेंट कैसे हैं, हम उनसे डिफरेंट हैं क्योंकि हम लोग इसमें देते हैं 7 days रिटर्न बैक पॉलिसी। इसमें क्या होता है, लेट से आपने कार खरीदी, आपको लगा कि ये गाड़ी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, आप गाड़ी वापस लेकर आइए, हम आपके पैसे रिटर्न कर देंगे विद इन, अगर वो 500 किलोमीटर से कम चली होगी, 500 किलोमीटर के अंदर अंदर चली होगी, 7 दिनों के अंदर आप गाड़ी को वापस कर सकते हो, कुछ भी रीजन होगा पूछेंगे नहीं आपसे, नो क्वेश्चन आस्क ना, यस सर, आपको गाड़ी वापस, पैसा आपके खाते में वापस। तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे लगती है पर्सनली, मतलब कि आपको 7 दिन का टाइम मिल जाता है ट्राई करने का कि गाड़ी अच्छी है नहीं अच्छी है, क्या इसके फॉल्ट है, क्या मतलब ड्रॉबैक क्या क्या है, सब पता लग जाता है 7 दिनों में। वो तो है ही सर। ओके, हमारे पास यहाँ पे XUV 300 भी खड़ी है, अभी 3XO आ गई है, पर देखो सबके पसंद अपनी अपनी है, 3XO शायद किसी को पसंद नहीं आई होगी, मुझे तो ये थोड़ा ब्रॉड मैचो सा लुक लगता है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैनली लगता है थोड़ा। एंड अगर बात करें इनकी डिटेल्स की, कौन कौन से मॉडल है थोड़ा सा बताओ प्लीज सर। ये वाला जो मॉडल है ये 2021 का मॉडल है, टॉप मॉडल 21 का मॉडल है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक, और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, एलईडी लैंप्स, सनरूफ वाली गाड़ी है, तो टॉप एंड मॉडल है गाड़ी का, यस सर, ये टॉप एंड है, क्रूज कंट्रोल एवरीथिंग, ऑटोमेटिक गाड़ी है ऊपर से, कलर काफी अच्छा है। एंड अगर बात करें इसके प्राइस की या फिर कितनी चली है गाड़ी, 16,000 चली हुई है, बस 2021 मॉडल 16,000 किलोमीटर चली हुई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी गाड़ी मुझे दिखाना बड़ा पसंद है आप लोगों को, क्योंकि यार मेरे जो आप लोग भाई हो ना, आप लोग मांगते रहते हो कि यार कम चली गाड़ी चाहिए हमें। इस पर डील क्या होगी सर? इसकी डील है अराउंड 11 लाख की, ओके 11.88 लाख से, ठीक है, और इस ये एक बहुत ही अच्छी डील है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो गाड़ी आपको कम चली हुई मिल रही है, ऊपर से ये टॉप एंड मॉडल है। पेट्रोल है डीजल है? ये पेट्रोल है, पेट्रोल है, यस, और माइलेज भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक दे देगी, डिसेंट, यस, माइलेज आप आराम से ऑटोमेटिक है, तो मैं समझता हूं 13 तक दे देना चाहिए, 13-14 क्लोज टू 11 से 12 की हम लोग क्लेम करते हैं, बट ये देखिए कि गाड़ी के ऊपर चलाने के ऊपर होता है, लेट्स से मेरे पास एक बलेनो है, राइट, अगर वो गाड़ी मैं चला रहा हूं तो मैं शायद उससे 8 से 10 की माइलेज निकालता हूं, बट इफ माय फादर इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग, ही टेक्स आउट अ माइलेज ऑफ 18 इजीली, तो ये एक फर्क है, इट इज ऑल अबाउट कि आप पैडल कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्लच कैसे दबा रहे हो। एंड अगली गाड़ी यहां पर हमारे पास व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है, किसी को व्हाइट लेनी है तो आप कॉल कर सकते हो, ये भी 21 मॉडल है। अब अगली गाड़ी मैं चाहता हूं कि हम लोग हुंडई की दिखाएं, व्हाई नॉट, हमारे पास सामने दो दो खड़ी है यहाँ पे, ओके यहाँ पे दो दो ऑप्शन अवेलेबल है, HR 26 और HR 06 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। बात करते हैं पहले व्हाइट कलर की कार की, कंडीशन देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छी लग रही है, टायर अभी ठीक ठाक कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा टायर पे नहीं करना है, अंदर से सीट्स की कंडीशन देखिए कवर्स लगे हुए हैं, बढ़िया है। मैनुअल कार है, मॉडल कौन सा है? सेम मॉडल है, 2017 मॉडल, ओके, एंड ये सेकंड ओनर कार है, चली कितनी चली, ये क्लोज टू 1 लाख चली हुई है, 1 लाख के आसपास चली है, यस सर, इट्स 97,000, सर्टिफाइड गाड़ी है, सर्टिफाइड कार है सर हमारे पास, ओके, अच्छा सर्टिफाइड किस तरीके से करते हो, मतलब क्या क्या चेक करते हो आप गाड़ी में? सर गाड़ी का हम लोग इंजन, कवर, स्टीयरिंग व्हील, कौन सी चीजें इसमें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कितना इसमें खर्चा आने वाला है, वो सारी चीजों का के पैरामीटर पे हम सर्च करते हैं। अगर आप हमारी ऐप खोलेंगे उसमें आपको इंपरफेक्शन का साइन भी मिलेगा, अच्छा, कार में क्या इंपरफेक्शन भी है, क्योंकि हम लोग छुपाते नहीं है, हम लोग रीपेंट करके नहीं बेचते गाड़ी। तो दिवांग भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी में कुछ छोटी मोटी कमियां भी है या जो भी कमियां है गाड़ी की, उसको भी शो कर देते हैं, लिख देते हैं कि देखो ये चीजें हुई है या फिर ये चीजें इसमें कमी है। अगर कस्टमर एंड कहते हैं कि हमें ठीक करना, तो वो ठीक करा के भी देते हैं, रिफर्बिश भी कर देते हो? यस सर, वो एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं कि लाइक अगर कस्टमर यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए आ रहे हैं, लेट्स से उन्होंने गाड़ी चलाई, उन्हें पसंद आती है, एंड इफ और एक टोकन अमाउंट देते हैं, तो हम उनको फिर से बुला के एक बार गाड़ी दोबारा चलवाते हैं, या फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको गाड़ी में क्या कमी लगी, कितने कहां तक हम लोग ठीक कर सकते हैं, कितना रिजॉल्व कर सकते हैं, 100% नहीं बट एटलीस्ट 80-90% हम ट्राई करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यार कोई यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार ले रहे हो तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, वो जो डर है ना आपका वो साइड में कर दो, कार 24 से कार लेने का फायदा आपको ये मिल जाता है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, दिवांग जैसे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से कार को समझाते हैं, बताते हैं, तसल्ली आपकी पूरी करते हैं, उसके बाद फाइनल डील आपके साथ क्लोज करते हैं। अच्छा जब गाड़ी यहाँ पे आप आती है ना यार्ड में, दिवांग पे बता रहे थे आप मुझे ऊपर शोरूम में कि 140 प्लस चेक पॉइंट्स पे कार को चेक करने के बाद ही इस बेसमेंट में, इस पार्किंग में गाड़ी आती है आपके लिए, उससे पहले नीचे आएगी नहीं, जब तक वो चेक लिस्ट पे टिक नहीं कर देती, सारे टिक्स नहीं आ पाते। हमारा एक मेगा रिफर्बिशमेंट लैब है जहाँ पे गाड़ियाँ पहले हम लोग वहाँ भेजते हैं, ओके, रिक्वायरमेंट के बाद अगर वो कार लेट से रिजेक्ट होती है हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे नहीं आएगी, फिर वो यहाँ नहीं आएगी, वो हमारे कस्टमर्स के पास नहीं जाएगी। बढ़िया, अच्छा डील क्या होगी इस गाड़ी की? इस कार की डील समवेयर अराउंड 6.78 लाख से होनी चाहिए अप्रोक्स। सही है, अच्छा प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं इस पर डिमांड, तो आप एप्लीकेशन पे जाकर ना ये नंबर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। एक यहाँ पे ये भी खड़ी है शेप, अगर आपको कोई छोटी गाड़ी देखनी है तो हमारे पास यहाँ पे हुंडई की i10 भी खड़ी है, छोटा सा बजट अगर आपका तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा फाइनेंस की फैसिलिटीज क्या है? तो फाइनेंस हमारे पास कार 24 से भी है, बजाज से भी है, अच्छा, और हमारे कुछ पार्टनर्स भी हैं,
ठीक है जो फाइनेंस कराते हैं, अगर लेट से हमारे यहाँ से रिजेक्ट होता है तो अपने पार्टनर्स के पास भेजते हैं। ऑलराइट, तो वहाँ से तो हो ही जाएगा ना? वहाँ से तो हो ही जाता है। ओके, अच्छा कोई स्कीम चल रही है फाइनेंस पे? वैसे स्कीम तो ये है सर, अप टू 4 लाख हमारे पास आपको जीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले सकते हैं हमसे। जीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल जाएगी अप टू 4 लाख? अप टू 4 लाख पर, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अराउंड सिविल, आपका सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर हैज टू बी गुड ना? अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, या फिर आपने जो लोन चलाए हुए हैं वो अच्छे से उनकी ईएमआई जा रही है, तो आपकी जो सिविल है वो अच्छा हो जाएगा। और इस तरह की गाड़ी आप बिना किसी कैश के, बिना किसी पैसे दिए आप गाड़ी लेके जा सकते हो ईएमआई पर। यस सर। ऑलराइट, अच्छा एक स्कीम मुझे याद आ गई यहाँ पे, 99 रुपीज पर डे पर लाख वाली स्कीम भी चल रही है। तो अगर मान लो ये गाड़ी 2 लाख की है तो आपको सिर्फ 200 रुपए पर डे गाड़ी पे देने और आप गाड़ी लेके जा सकते हो ईएमआई पर 200 रुपए पर डे। बहुत कम अमाउंट होती है इस गाड़ी के हिसाब से। ओके, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये सर एक्चुअली ये हमारा मॉडल है 2011 का मॉडल है। ऑलराइट, एंड सेकंड ओनर कार है, फर्स्ट ओनर भी है, सेकंड ओनर भी। सो दिस प्योर पेट्रोल है, सीएनजी है, ये सब प्योर पेट्रोल कार है। ठीक है, क्या डील लेंगे इस पे? ये डील सर इसकी 1.94 की है। ओके, एंड कुछ नेगोशिएशंस भी हो सकते हैं इस गाड़ी पे। अच्छा, हो जाता है नेगोशिएट? हल्का फुल्का, नॉट दैट टू मच, बट जितना बेस्ट हो सकता है, कार के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है व्हाटएवर कंपनी गिव्स तो उसके। ओके, नाउ वी हैव टोयोटा ग्लांजा। यस सर। क्या डील है गाड़ी की? सर ये बलिनो की बड़ी पास की बहन है। यस, सो ये वाली जो गाड़ी है दिस इज अ 2019 मॉडल ऑटोमेटिक कार, ग्लांजा है ये। की डिमांड है हमारे पास 6.18 लाख की। 6.80 लाख, ये सेकंड ओनर कार है। okay. बट इट्स इन अ रियली गुड कंडीशन। सो इसमें हम लाइक कस्टमर का ड्राइव करते हैं, उन्हें पसंद भी है ये गाड़ी। ये वेरिएंट कौन सा गाड़ी का? ये गाड़ी का एक्चुअली सर जिस टाइम पे गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे टोयोटा वॉज प्लानिंग टू गेट सम मोर वेरियंट्स, बट उन्हें अलाउ हुआ था 2 वेरियंट्स के लिए। अच्छा, ओके, सो दिस वन इज द बेस वेरियंट, टेक्निकली द जीटा वेरियंट फॉर बेस है। यस, बेस में तो यार प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिए हैं, एलॉय दे दिए हैं गाड़ी में। डील अच्छी है भाई, बेस मॉडल मुझे लग नहीं रहा, हाँ लगी, चलो जो भी है फीचर्स बहुत सारे दे रही है गाड़ी। का जेटा मॉडल है ये। ओके, हमारे पास टाटा सफारी भी खड़ी है। अच्छा, टाटा की गाड़ियां कौन कौन सी अपने पास? टाटा की सर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी, टियागो है, टिगोर है, एल्ट्रोज, एच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। वी हैव हमारे पास हैरियर्स भी थी पहले, बट वो सेल आउट हो गई है, तो वी डोंट हैव हैरियर्स राइट नाउ, वी हैव सफारीज। अरे मेरी हैरियर ले लो यार। ओके, यहां पे खड़ी है टाटा की सफारी, ये कुछ लिमिटेड एडिशन लग रहा है मुझे। गोल्ड एडिशन है सर। वाओ, गोल्ड एडिशन है यार, बहुत ही सही लग रहा है। मतलब मैं वहां से देखता हूं आ रहा है इस गाड़ी को, इसका लुक अलग ही आ रहा है। यस सर, जो नॉर्मल सफारी में नहीं आता। ब्लैक का लुक है ये। और क्या डिटेल है इसकी? मॉडल ये गाड़ी एक्चुअली 2021 मॉडल। यस सर, ये गाड़ी आपकी 2021 मॉडल है, डीजल में 49,000 चली हुई। वाओ, नाइस, कम चली है, वेरी गुड, कम चली है उस हिसाब से देखा जाए तो। क्या डील देंगे इस पे? सर इसकी डील है ऑलमोस्ट अराउंड 18 लाख। ओके, समवेयर अराउंड 18 लाख की डील है। ठीक है, और कुछ अब इसमें नेगोशिएशंस तो नहीं हो सकती, ठीक है, बट स्टिल वी विल ट्राई। जो ये एक्सजेड ए है या कौन सा वेरिएंट है? टॉप एंड वेरिएंट है ये सर, ये टॉप एंड वेरिएंट है, उसी में आए थे ये वाले। वाओ, एक्सजेड ए वेरिएंट है, उसमें भी गोल्ड एडिशन वाली कार है, जो कि बहुत रेयर टू फाइंड है, रोड पे तो नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलती है। अगर आपको लेनी है आप ले सकते हो। एक्सजेड ए उस टाइम भी मेरे ख्याल से 27-28 लाख से नीचे का नहीं था। यस सर, बहुत महंगा वेरिएंट, 26 लाख का था ये, तो तब भी आप मोटा मोटा मान के चलो 8-10 लाख रुपए बच रहे हैं। अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। ओके, अगली गाड़ी इस पे आते हैं सर। ये कौन सी गाड़ी है? सही है, वोटर्स हाईलाइन मॉडल, 2023 मॉडल है, 9000 चली हुई है, एंड बहुत ही स्लीक कार है। बहुत अच्छा, एयर डायनेमिक गाड़ी के बहुत अच्छे होते हैं। ऑटोमेटिक कार है, 1 लीटर इंजन, 9053 किलोमीटर, 9053 किलोमीटर, 53 किलोमीटर बस। बस सर, एक साल पुरानी गाड़ी है। क्या बात है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, 1.0 टर्बो। यस, ब्यूटीफुल कार। क्या डील देंगे इस पे हम लोग? सर ये गाड़ी है 13.53 लाख की हमारे पास खड़ी है। अच्छा, वर्चुस किस किस को पसंद है गाड़ी, प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है गाड़ी का यार, लुक देखो क्या प्यारा आता है। इट्स अ वेरी लाइक कह सकते हैं बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया है। इसकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको इस तरफ से, ये देखो यार, अगर कोई साइड से इस गाड़ी को देखता तो यार पीछे का लुक क्या, साइड का लुक क्या, मतलब अमेजिंग लुक आता है गाड़ी का। ब्यूटीफुल कार है, स्पेसियस कार है, पीछे वाले कैबिन में भी आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, आपके पास वैरायटी बहुत है गाड़ियों की। यस सर, यहाँ पे देखो किया की लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है, किया कैरेंस, किया कैरेंस, किया कैरेंस, आगे सोनेट है, सेल्टोस है, सारी किया की गाड़ी आपको मिल जाएगी। आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं वैसे? सर हमारे पास हर टाइप के ब्रांड होते हैं एक्सेप्ट शेवरले। बाकी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है हमारे पास, निसान भी अवेलेबल, निसान की मैग्नेट अवेलेबल है। ओह नाइस, एंड रेनॉल्ट की एक डस्टर, वो तक हमारे पास लेटेस्ट शेप अभी खड़ी हुई है, वो दिखाएंगे यार, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे गाड़ी। अच्छा, कोई कैरेंस दिखाते हैं, ये दिखाते हैं व्हाइट कलर की एक, क्या डिटेल इसकी? इसकी सर डिटेल अगर देखा जाए तो, सो दिस वन इज द टॉप एंड मॉडल लग्जरी प्लस, 1.5 डीजल, ठीक है, ऑटोमेटिक 7 सीटर, और ये 22 मॉडल है, चली है सिर्फ 22 दिसंबर का है। यस सर, वो नाइस, बिल्कुल लास्ट की गाड़ी भाई, एंड चली भी है सिर्फ 34,000 किलोमीटर ही है। अच्छा, इसकी वैसे डील क्या निकल के आएगी अगर बात करें? अराउंड 14-15 लाख की, मैं लेट्स चेक भी कर सकता हूं आपके लिए। सो इफ आई चेक अबाउट दिस कार, देखो ये भी ना स्कैन कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से यहां पे आके स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली। आप ये स्कैन किया मैंने, और ये देखो जो भी प्राइस चल रहा है ऐप पे, वो आपके सामने आ जाएगा।
लाइक क्योंकि सारी गाड़ियां मैं सबके प्राइस आपको एक साथ नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे इसका है 15-35 हज़ार पर, लेकिन हमारे पास क्या है, हम लोग न्यू कार की तरह गाड़ी सेल करते हैं. लाइक आप चेक प्राइस करेंगे, आरसी, ट्रांसफर कॉस्ट, टैक्स सिलेक्टेड सोर्सेज, आपको सारा कुछ मिलेगा कि गाड़ी किस. क्या बात है, देखो भाई 15,54,000 आपको ऑन रोड ही गाड़ी पड़ जाएगी विद आरसी ट्रांसफर. 4,000 की फीस आरसी की थी, टैक्स था 15,000, तो ये सब भी लिख के आएगा टोटल. एंड यहाँ पे देखो ईएमआई के ऑप्शन भी आपके सामने आ रहे हैं. ऑन जीरो डाउन पेमेंट 29,000 रुपए की इसकी जो ईएमआई है उसमें आपको जीरो डाउन पेमेंट गाड़ी मिल जाएगी. कोई कुछ कैश वैश देगा तो भाई और सस्ती हो जाएगी और कम हो जाएगी ईएमआई, मतलब 15,000-20,000 के आसपास. गाड़ी का लुक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. और ये गाड़ी वो है जिसने अर्टिगा की मोनोपोली हिला दी थी. हाँ, अब देखो ये जो गाड़ी है ना ये थोड़ी सी लग्जरी की तरफ जाती है. यस, अर्टिगा का कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल इसके आगे फीका है. अर्टिगा इज मोर रिलायबल, मोर इको फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस. पर अगर किया को देखोगे तो यार थोड़ा सा ना अपलिफ्ट हो जाता है मार्केट, आपको लगता है कि स्टेटस बढ़ जाता है, लुक अच्छा है, कंफर्टेंस अच्छी है. दिस इज अ पार्टी एंड अ वेरी प्रोफेशनल लुक. अच्छा, या ऑफ कोर्स, मतलब ये देखो पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल रही है, पूरी अलग ही सनरूफ मिल रहा है जो कि अर्टिगा में नहीं आता है, तो ये तो बिल्कुल चेंज कर देता है. सोनेट्स खड़ी है हमारे पास बहुत सारी, ब्लैक भी है, मैट में भी खड़ी है. ये जीटी लाइन है, ये दिखाते हैं एक बार. जीटी लाइन है, इसकी पावर बहुत अच्छी होती है, ये बहुत पावरफुल कार है जी. प्लस ये AIMT में आती है गाड़ी. ओके, क्लचलेस. क्लचलेस मैनुअल कार. एंड ये है हमारे पास सेकंड ओनर 2020 मॉडल पेट्रोल में, 37,000 ड्रिवन है गाड़ी. ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टिल नाउ. क्या डील लेंगे इस पे वैसे? वैसे इसकी डील अगर मैं दोबारा इस पे भी चेक कर सकता हूँ. बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए. तब तक मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ. देखो कंडीशन गाड़ियों की कैसी होती है. एक सिंगल स्ट्रेच पे आपको गाड़ी पे नहीं मिलेगा. रेड कलर के आपको इंसर्ट्स मिल जाते हैं, क्लाइडिंग मिल जाती है, साइड में क्लाइडिंग मिल जाएगी जो कि सिर्फ जीटी लाइन पे ही आती है. सनरूफ वाली कार है, टॉप एंड मॉडल है कार का. एंड क्रूज कंट्रोल ब्लैक कलर का, प्योर इंटीरियर आपको मिल जाता है. अभी चाबी नहीं है इसने तो आपको अंदर से जरूर दिखाता है कार को. आप फोटो चेकआउट कर सकते हो एप्लीकेशन पे जाके, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी. क्या डील है इस पे? सर इस पे डील है 8.64 लाख की. ओके, विदाउट एनी चार्जेस. जीटी लाइन. जीटी लाइन. ओह नाइस. ओनर कौन सा इसका? ये सेकंड ओनर कार है. ब्यूटीफुल. 8.64 में आपको जीटी लाइन सोनेट मिल रही है, विच इज अ गुड डील. ओके, नाउ वी हैव अनदर ब्लैक कलर. ये तो आपको दिखाई दूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पे सोनेट खड़ी है. एक हमारे पास एक डीजल मॉडल है, ये वाला. ओह, डीजल दिखाता है. ओके, डीजल इज गुड. ये डीजल सोनेट है. इसकी अगर मैं डील बताऊं, दिस इज द HTX 1.5. ओके, अच्छा इसमें एलॉय नहीं था ना, उसमें एलॉय नहीं आता था, पर इसमें आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा. यस, और टॉर्क अच्छा मिलेगा. ओनर सिंगल है एज आई कैन सी, एंड इट इज अ ब्लैक कलर. 9.54 लाख इसकी आस्किंग. 9.54 लाख में आपको ये वाली कार मिल जाएगी. डीजल थोड़ी महंगी आती है ऑब्वियसली, पर माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है. HR नंबर है तो भाई टाइम टाइम है, 15 साल का पूरा पूरा. सेल्टोस आ गए देखो लाइन से. एक सेल्टोस, दो सेल्टोस, 3, 4, 5, 6, मतलब ज्यादा नजर आ जाती है आपको. सेल्टोस ही सेल्टोस नजर आने वाली है. अब कलर में चूज कर लेता हूँ, कौन सा कलर दिखाएं आपको भाई. ये दिखाते हैं व्हाइट वाली, ये सनरूफ वाली दिखाते हैं. चलो ऑटोमेटिक कार ये दिखाते हैं. क्या डील इसकी? ये टॉप मॉडल जीटी लाइन मॉडल है. ओके, ये भी जीटी लाइन है. यस सर. मेरी पसंद ही थोड़ी हाई एंड होती है. ये है 2019 का मॉडल डीजल में. टॉप मॉडल है GTX ऑटोमेटिक 1.5 डीजल. ठीक है, ऑटोमेटिक है सर. सो ऑटोमेटिक टॉप मॉडल. इसकी अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊं, ये चली कितनी वैसे गाड़ी? चली ज्यादा नहीं है सर, 57,000 चली है. ओके, क्योंकि 5 साल के हिसाब से जो कि बहुत ही कम है. इसकी एस्किंग समवेयर अराउंड 12.55 लाख की है. 12,55,000 में गाड़ी मिल जाएगी. 25,000 में. ओके, पेट्रोल ना, जीटी लाइन. नो, इट्स अ डीजल कार. आई गेस या इट्स अ डीजल कार. ये हुई ना डील मेरे भाई. डीजल थोड़ी महंगी आती है वैसे, 19 मॉडल है, चली कम है, कंडीशन काफी अच्छी है. और अच्छा, आप सर्टिफाइड कार पे वारंटी भी करते हो, राइट? यस सर, वारंटीज अवेलेबल है अप टू 1 मंथ. Wow. एक महीने की वारंटी है. उसके अलावा अगर आप हमसे खरीदते हैं तो हम आपको 2 साल तक की भी एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हैं गाड़ी. Okay. अच्छा, की जो कॉस्ट होती है 2 साल की वारंटी की, वो लगभग कितनी होती होगी वैसे? सर डिपेंड्स अपॉन कार टू कार, आप कौन सी कार ले रहे हैं. हर कार का अपने कलर. अगर हम ये ऑप्शन मान के चले मैग्नाइट, सो मैग्नाइट का सर देखिए, इसका कहीं ना कहीं आपको 15,000-20,000 की वारंटी आएगी. ओके, 2 साल की जो कवर रहेगी. उसमें क्या क्या कवर होता है? उसमें सर सारा कुछ, इंजन, गियर बॉक्स. इफ इट्स अ मैनुअल तो हम गियर बॉक्स कवर करते हैं, ऑटोमेटिक है तो हम नहीं कवर करेंगे. अच्छा, ओके, ठीक है. बहुत कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक सेकंड हैंड में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. कॉस्टली पड़ता है, कॉम्प्लेक्स भी रहता है. ओके, अब निसान मैग्नाइट भैया ने बोला था कि हमारे पास अवेलेबल है, आ चुकी है हमारे सामने. मॉडल कौन सा है? 2022 का मॉडल है. ठीक है, और चली 26,000 है. चली 26,000 है, लुक अच्छा है. अब इसका एक नया फेसलिफ्ट भी आया, हालांकि बाहर से इतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ कार में. हाँ, अंदर से काफी कुछ चेंजेस आपको मिलेगा नई कार में. बात करें इसकी प्राइस की, तो क्या डील देंगे इस पे हम लोग आज? इस पे हम लोग जो डील देंगे वो है हमारे पास, कहीं ना कहीं इसकी डील बहुत अच्छी डील है. ओके, टायर कंडीशन अच्छी है, आपको एलॉयज मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री मिल जाती है, कार बिल्कुल न्यू है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है.
पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है एंड लुक तो इसलिए बिक रही है, लुक बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, ड्राइव हैंडलिंग भी अच्छी है। क्या डील है सर? सर लेट मी चेक, ये इसकी डील कहीं ना कहीं हम लोग समवेयर अराउंड 7 लाख इसकी डील, 7 लाख के आसपास गाड़ी मिल जाएगी एंड बाकी देखो यार कुछ नेगोशिएट हो जाए तो 6 लाख की फिगर में भी गाड़ी आ जाएगी। टॉप एंड वेरिएंट अगर का बढ़िया लग रही है कार। यस सर। एंड एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी खड़ा है, कुछ कुछ और गाड़ी दिखाते हैं भाई, एक जीप कंपास, दो जीप कंपास और तीसरी यहाँ पे खड़ी है सामने, तीनों के तीनों रेड कलर में अवेलेबल है। बात करते हैं इस वाली जीप कंपास की डिटेल की, HR10 नंबर है, क्या डिटेल है इसकी? सर ये है पेट्रोल जीप कंपास है, स्पोर्ट मॉडल है, बेस मॉडल में आता था पेट्रोल, ठीक है। एंड ये चली है 75,000 किलोमीटर्स। ऑलराइट, कंडीशन आप देख लीजिए, कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की। यार रेड में अच्छी लग रही है, कुछ भी बोलो रेड में बहुत कम गाड़ियां अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। एंड इट्स अमेरिकन ब्रांड तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी तो है गाड़ी में, मजबूती है यार, बहुत सेफ रहती है गाड़ी इनकी। आवाज सुन रहे हो, मतलब बहुत भारी आवाज है। क्या डील है इसकी, क्या डील क्या इस पे? इस पे डील है समवेयर अराउंड 10 to 11 lakhs, 10 से 11 lakh के आसपास गाड़ी आपको मिल जाएगी, मतलब 11 lakh से नीचे नीचे। नाउ ये तो हमने कवर कर दिया Kia Sonet। यस सर। अब अगली गाड़ी आपको दिखाएंगे सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मॉल हैचबैक कार वैगनआर। दोस्तों ओल्ड शिप वैगनआर, न्यू शिप वैगनआर, आपको सारे कलर सारे वैरायटी वैगनआर की यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर हम बात करें रेंज की तो प्राइजेस वैगनआर के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइजेस हमारे पास 2 lakh से शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड व्हिच गोज अप टू 5 lakhs? यस 5 to 6 lakhs, 5 लाख में आई थिंक मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो लोग नहीं ले लेंगे यार। ओके, ये है बाइक मॉडल, बात करें इसकी डिटेल की, क्या डिटेल है मेरे भाई? सर ये बेस मॉडल है, पेट्रोल मॉडल है गाड़ी एंड इसमें मतलब सारा कुछ मिलता है आपको, ठीक है, एयरबैग एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस मॉडल। स्टैंडर्ड हो गया ना एयरबैग्स, तो आना बनता है यार, सेफ्टी जरूरी है। हम मारुति अपनी इमेज चेंज कर रहा है। एंड इसकी अगर मैं आपको डील बना के दूं, समवेयर अराउंड जैसे 2022 मॉडल है, 24,000 चली हुई, 24,000 चली और ओनरशिप है सिंगल गाड़ी की। यस सर। कंडीशन बिल्कुल आपके सामने है, छोटा सा स्क्रैच गाड़ी पे नहीं मिलेगा, अच्छी कंडीशन की अच्छी गाड़ी है और इसके अच्छे से प्राइस अब निकल गया। इसका जो प्राइस निकल के जो आ रहा है हमारे पास वो 4.87 lakhs है। 4.87 lakh? यस सर। जो कि सर्टिफाइड गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप वैगनआर बेस मॉडल में लेंगे उसका प्राइस समवेयर अराउंड आज की डेट में 4 के अबव ही है, 5 to 6 lakhs के अबव है। या सो व्हिच इज स्टिल अ गुड डील ऑन दिस कार। तब भी मतलब 1-1.5 lakh बच जाते हैं आपके आराम से। ओके, अगेन वैगनआर यहां पे ओल्ड शिप भी खड़ी है, 12 मॉडल है ये, 12 मॉडल वैसे कितने की आएगी? ये समवेयर अराउंड 2 लाख के अंडर आ जाएगी वाली गाड़ी भी, 2 लाख से कम में हो जाएगी। यस सर, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये हमारे पास सबसे पुरानी वैगनआर है। ओह नाइस। एंड जो सबसे चीपेस्ट और हमारे पास जो भी खड़ी है, मजबूत गाड़ी है। ओके, ये वैगनआर हमारे पास अवेलेबल है। अब कुछ और दिखाते हैं आपको। दोस्तों अगली जो गाड़ी आपको दिखाने वाला हूं वो है रेनो की डस्टर, ये न्यू शेप की डस्टर है और ये गाड़ी पूरे मार्केट में एक या दो पीस शायद इंडिया में किसी के पास अवेलेबल होगी। गाड़ी बहुत अच्छी है, लुक वाइज काफी अच्छी है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी का बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर होती है। कौन सा मॉडल है गाड़ी का? सर ये बिल्कुल लेटेस्ट शेप कार है, BS6 मॉडल है। नाइस। ये है रेनॉल्ट डस्टर, आपकी 2021 मॉडल है एंड चलिए 54,000 किलोमीटर है हमारे पास, ये खड़ी है यहाँ पे वन इन पीस अभी हमारे पास खड़ी है। क्या डील देंगे इस पे? इस पे सर 8.92 की डील है। 8.92 की डील है गाड़ी की। yes, और ये टॉप एंड वेरिएंट है, कौन सा है? ये आपका टॉप एंड वेरिएंट है जो कि लगभग 15 लाख के आसपास था उस टाइम पे, जहाँ तक देखा जाए इसका जो लास्ट प्राइस कोटेड था वो आपने सही कहा 15 लाख का ही था, 14-15 ऐसी था कुछ। yes, 21 मॉडल है गाड़ी का, कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर कलर है गाड़ी का एंड कार का इंटीरियर बहुत अच्छा। अच्छा ये गाड़ी ना बहुत प्रैक्टिकल है, एक तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है गाड़ी में, लुक काफी अच्छा होता है, आप इसको पहाड़ों में प्लेन में हाईवे पे जहाँ मर्जी चला सकते हो, बूट स्पेस मतलब बहुत अच्छा बूट स्पेस है। इनफैक्ट आप अच्छा खासा लगेज रख, इसका लुक भी देखेंगे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, इसका लुक देखेंगे, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लुक है, टाइमलेस लुक है। एब्सोल्युटली। एंड आल्सो इस कार ने नीव रखी थी मिड साइज सेगमेंट की, जिसमें आजकल ब्रेजा ये सब कुछ आ रहे हैं, क्रेटा जो है, उस वक्त एसयूवी कार्स का ट्रेंड शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब ये इंडिया में आ गई थी। यस, उसके बाद से लोगों ने एसयूवी कार को इतना प्यार दिया है और ये अपने टाइम की रेनॉल्ट की नींव रखने वाली ये गाड़ी थी, अभी तक रेनो टिका हुआ है सिर्फ जस्ट इस कार की वजह से, कार वाकई बहुत जबरदस्त है। ओके, अगली गाड़ी कौन सी दिखाएं? अच्छा पीछे यहाँ पे खड़ी टाटा की बहुत सारी गाड़ियां, एल्ट्रोस से लेकर टियागो से लेकर टाइगर से लेकर नेक्सोन से लेकर सफारी आपको दिखा दी है मेरे भाई, तो सारी गाड़ियां पे मिल जाती है। अब बात करते हैं एल्ट्रोस की, हमारे पास एल्ट्रोस का प्राइस जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? समवेयर अराउंड 5 पॉइंट से हमारा शुरू होता है, 5.5 लाख से शुरू होता है। एंड टियागो, टियागो हमारे पास 4 लाख से शुरू होती है, 4 लाख से। ओके, एंड टाइगर, टाइगर भी समवेयर अराउंड 4 to 5 lakhs में, और मोस्टली मॉडल ऊपर के होते हैं ना। यस सर। ओके, 21, 22, 23। ओके, नेक्सोन भी खड़ी है, नेक्सोन काफी ज्यादा होट सेलिंग गाड़ी है, एक बार दिखाते हैं। Yes, मॉडल कौन सा गाड़ी का? सर ये मॉडल है 2022 का मॉडल है, ठीक है, डीजल कार है। ऑलराइट। और 34,000 किलोमीटर चली है। ब्यूटीफुल, कलर काफी बढ़िया लग रहा है, मिलिट्री कलर बोलते हैं आजकल लोग इसको, इसे ग्रीन कलर बोलते हैं और ये बहुत ही फेमस कलर था, जैसे हर
मॉडल हर एक प्राइस में इसने दबदबा बनाया था इस कलर ने। ब्यूटीफुल। अच्छा इसका गाड़ी का ना ये वाला लुक बड़ा अच्छा था, थोड़ा मस्कुलर से लुक है इसका, एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड लुक आ रहे हैं थोड़े से, बट ये लुक एवरग्रीन है। एवरग्रीन है, काफी अच्छा है, काफी साल चलने वाला ये वाला वेरियंट। अगर बात करें इसके प्राइस की, हम लोग क्या प्राइस देंगे? इसका प्राइस है 10.56 लाख। ओके, जो की इसका टॉप एंड वेरियंट है या कौन सा? ये इसका टॉप एंड वेरियंट, टॉप से एक नीचे वेरियंट वाला वेरियंट है, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं आती। नहीं है, एग्जिट प्लस है, कीलेस एंट्री है, अलॉयज मिल जाएंगे गाड़ी में आपको, और स्क्रीन मिल जाएगी आपको कार में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, तो ये सारे फीचर आपको मिल ही रहे हैं इस कार में, तो प्राइस काफी जस्टिफाई कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि 3-4 लाख की सेविंग तो हो रही है आपके यहाँ पे। यस सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का स्टॉक M3M अर्बाना से R24 का, बहुत ही गजब का स्टॉक था, बहुत सारी गाड़ी आपको दिखाई है, कुछ यूनिक कार आपको दिखाई जो आमतौर पर मार्केट में बहुत रेयर मिलती है। इसके अलावा USPs तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं R24 से बाय करने का। अगर आप भी एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, तसल्ली रखना चाहते हो लेने के बाद कि यार यूज कार ले तो रहा हूँ, पैसे भी बच रहे हैं मेरे पर, लेकिन गाड़ी खराब तो नहीं होगी ये डर मन में है, तो आप R24 पे आ सकते हो, गाड़ी चेक भी कर सकते हो लेने से पहले, चलाए कर देखिए। बाकी जो 7 डेज वाली जो पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, वो बहुत अच्छी है, उसको फायदा भी आप आराम से उठाओगे। तो थैंक यू सो मच दिमाग भाई, आपने बहुत अच्छी गाड़ी दिखाई है, एंड काफी सारी गाड़ी अभी बची भी है, और सारी गाड़ी दिखाना बहुत मुश्किल होता है इतनी सारी गाड़ियों में से, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि किस तरह गाड़ी इनके पास होती है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, या फिर जो भी आपके पास नियर बाय ब्रांच है आप वहाँ पे भी जा सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, प्राइसेस डिटेल्स, ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा गाड़ियों का। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू।